आज साहित्य कला अकादमी द्वारा दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में दीपावली, छठ पूजा व गुरु पर्व के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सभी धर्म समुदाय के लोगों ने सम्मिलित होकर अपनी एकता का परिचय दिया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष श्री राम निवास गोयल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं सहित कई मंत्री और विधायकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दिल्ली विधानसभा जनता से जुड़े उसके निमित्त यहाँ पिछले वर्ष कुछ प्रोग्राम शुरू किए थे, उसी कड़ी में आज पिछले वर्ष भी हमने किया। दिवाली, छठ पर्व और गुरु पर्व जो 14 तारीख को आने वाला है, एक मंगल मिलन समारोह उसमें रखा, उसमें बड़ी संख्या में लोग आए। उसके पीछे मकसद ये है कि समाज में सौहार्द का वातावरण बने, समाज में प्यार का वातावरण बने, समाज मिलजुल कर चल सके। भारतीय संस्कृति अपने आप में एक अनूठी संस्कृति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को मानने वाले यहाँ रहते हैं, उनमें प्यार बढ़े, प्रेम बढ़े, उसी के निमित्त ये कार्यक्रम रखे जाते हैं, यही भाव होता है और उसी के निमित्त आज का कार्यक्रम। आज ये दिवाली, छठ पूजा और गुरु पर्व के उपलक्ष्य में जो विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी ने जो प्रोग्राम रखा, वक्तन बवक्तन जो है रामनिवास गोयल जी जो है प्रोग्राम यहाँ विधानसभा में करते रहते हैं, रमज़ान में भी उन्होंने करा, उससे पहले भी करा, फिर एक जो है मुशायरे का भी आयोजन उन्होंने करा था पिछले साल। तो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे से भारत की तहजीब है, उसको ज़िंदा रखने के लिए, उसको लोगों तक पहुँचाने का बहुत उम्दा काम रामनिवास गोयल जी करते हैं। मैं इसके लिए उनको, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और सबको इन त्यौहारों को आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए सबको बहुत बहुत मुबारकबाद इन सब त्यौहारों के लिए।